विवादों के बीच शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान आज संगम नगरी प्रयागराज में भी रिलीज हो गई है। फिल्म के पहले दिन का पहला शो छूट चुका है और तमाम दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं जो फिल्म देखकर बाहर निकले हुए हैं। जल्दी जल्दी हम इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जानते हैं। बताइए, फिल्म देखकर आप निकले, फिल्म कैसी लगी आपको? ठीक है, अच्छी, एंटरटेनिंग है। स्टोरी तो उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए सही है, खासकर 20 साल के बच्चों तक ज़्यादा अच्छी लगेगी, 25 साल तक के। फिल्म में अच्छा क्या लगा आपको? हाँ, एक्शन बहुत अच्छा है, मतलब हॉलीवुड स्टाइल का 90% कह सकते हैं। जैसे हमारी ऑडियंस हॉलीवुड को ज़्यादा पसंद करती है, उन्हें बॉलीवुड को भी करना पड़ेगा प्रूफ कि नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लेवल का करें। आप बताइए, आपको फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी। क्या अच्छा लगा फिल्म में? उसमें एक्शन भरा हुआ था, बिल्कुल VFX एक्शन काफ़ी अच्छा है, और म्यूज़िक दोनों वीडियो है काफ़ी अच्छा, डांस और ये सब है, और एक्टिंग भी काफ़ी सही है, एंटरटेनिंग है, सबके लिए है, सब कोई देख। आप बताइए फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी थी पिक्चर, एक्शन से भरपूर है और देखने लायक है एक टाइम। क्या अच्छा लगा फिल्म में? एक्शन। शाहरुख खान की एक्टिंग ठीक है? तमाम लोग हैं एक शाहरुख खान के गेटअप में हैं, सिर पर टोपी लगाए हुए और बटन खोले हुए। क्या नाम है आपका? आर्यन खान। कुछ खास अंदाज में आप आए हैं? हाँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनका बहुत बिग फैन हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ SRK। पहले दिन पहला शो देखा, फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनमेंट प्लस बहुत एक्शन था, सोचा नहीं था कि ऐसी सर मूवी बनाएगी, लेकिन दिल खुश कर दिया। मन तो कर रहा है कि सेकंड टाइम फिर देखूं, सेकंड टिकट फिर लूं। फिर से देखो, देखिए और भी लोग आ गए हैं। बताइए, फिल्म देखकर आप निकल रहे हैं, फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत मस्त थी, बहुत मस्त थी। क्या अच्छा लगा? शाहरुख खान सब लोग अच्छे थे, बहुत बढ़िया फिल्म थी। और जो कंट्रोवर्सी की बात की जा रही थी, क्या लगता है कि है कुछ कंट्रोवर्सी? नहीं, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत बढ़िया मूवी थी। दोबारा देखना चाहेंगे? एकदम दोबारा देखना चाहेंगे, और जो आएंगे उनको सबको पसंद आएगी मूवी। जी नहीं भर रहा है, मूवी बहुत देखनी है और लगातार एक महीने तक देखनी है मुझे मूवी। ठीक है, 5-6 साल बाद बॉलीवुड कमबैक किया है, बहुत अच्छा कमबैक किया है, हॉलीवुड टाइप है, मजा आ गया। क्या ला, एक पल भी लगा नहीं कि बोर हो रहा है, मतलब हर टाइम ऐसा लगे कि हर पल कुछ ना कुछ इस इमोशन सस्पेंस कि क्या होने वाला है। अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने? 10 पूरे, एक पलक नहीं झपकने दिया, पलक नहीं झपकने दिया कि हम सो ले थोड़ा सा, वेट पार्ट 2 का वेट अप करेंगे सीधे। क्या अच्छा लगा? एक्शन, एक्शन बहुत बड़ा है इसका। एक्शन शाहरुख खान का या जान अब्राहम का? दोनों का एंट्री, सलमान खान की एंट्री, शाहरुख खान का एक्शन, ये चौंकाने वाले थे एकदम, ये सरप्राइज था। बॉलीवुड 5-6 साल बाद कमबैक किया है, बहुत अच्छा कमबैक किया है, बहुत शानदार मूवी थी। फिल्म हिट होगी? हिट होगी, एकदम सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट। वहां पर देखिए कितना भीड़ लगा है, वहां पर देखिए, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, शाहरुख खान की फिल्म। हाँ बिल्कुल, देखिए ये खास अंदाज में, शाहरुख खान के अंदाज में जो है फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं, उसी तरह से टोपी लगाए हुए हैं और बटन खोले हुए हैं, और आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दूसरा शो शुरू होने वाला हो, देखिए किस तरीके की भीड़ प्रयागराज में पठान फिल्म को देखने के लिए उमड़ी हुई है, और तकरीबन सारे सिनेमाघरों का यही हाल है, इसी तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह सारे थिएटर में आपको इसी तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद जो है खड़े हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान प्रयागराज में रिलीज हो चुकी है, और पहले दिन पहले शो को देखने वाले जो दर्शक हैं उन्होंने फिल्म के जम तारीफ की है, कहा है कि वो इस फिल्म को दोबारा देखना पसंद करेंगे, और ज्यादातर दर्शकों को फिल्म में शाहरुख खान और जान अब्राहम का जो एक्शन है वो एक्शन पसंद आया, और उनका कहना है कि एकदम हॉलीवुड स्टाइल में ये फिल्म बनाई गई है, इसी वजह से ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरी है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।